आदरणीय आसीन सत्संग जी, आपके विशेष भाग हैं जो के दूर नेड़े से इस समय को, इन श्वासों को, इस संसारिक जीवन यात्रा को सफल करने के लिए पावन पवित्र सचखंड दरबार की हाजरी गुरु उपदेश गुरु इतिहास पर विचार करने का सौभाग्य समय प्राप्त हुआ है। आप लड़ीवार गुरु इतिहास श्रवण करते आ रहे हैं। कल के अंधकार को दूर करने के लिए उस भगवान ने मनुष्य जामा धार कर इस संसार में मातलोक में आकर अपना नाम नान करवाया। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने अपने साथी भाई बाले और मर्दाने को बनाया। कल के अंधकार निवारण कारण आप हरि जग भीतर आए, सब सार के वेद उधार कियो, गण सेवक के दुख दूर बहाए, रटन कर देश प्रदेश के महे कुमंत्र ते सब लोक हटाए, वाह परशोत्तम धन गुरु नानक जीत बसै मम नींद सहाय दे वागुनसार, सारे संसार का रत्न किया। रत्न करते करते हजूर पातशाह लंका में पहुंचे, जहां श्री भगवान रामचंद्र जी के भीषण भगत जी रहते थे। जब भीषण जी ने सुना तो गुरु नानक का बड़ा सत्कार किया। गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने विभीषण के साथ जैसे जैसे वचन करे, आपने बहुत ध्यान पूर्वक और प्रेम के साथ श्रवण किया। विभीषण जी गुरु नानक सच्चे पातशाह ये बतला रहे, महाराज जब रावण हमारे भाई ने भरे दरबार में हमको लात लगाई तो हमने भगवान की आराधना करी और आराधना के अनुसार भगवान को याद किया और भगवान की शरण में आए। जब भगवान की शरण में आए तो भगवान का दर्शन किया। जो हमारी भावना थी राज प्राप्त करने की लालसा थी वो निवृत्त हुई। हमने ये तो लालच लोग में आकर हम लालच के कुएं में पड़ रहे हैं, राज क्या करेंगे। जो हमारी मन की अवस्था थी सारी परिवर्तन हुई। जब नमस्कार कर भगवान के चरणों में बैठे तो श्री भगवान श्री रामचंद्र कहने लगे, आओ लंकेश लंका के पति। हमने बोला, महाराज हमको राज नहीं चाहिए, अपने चरणों की प्रीत चाहिए। वो वचन कर रहे भीषण जी गुरु नानक से ये जो श्री भगवान रामचंद्र के साथ उनका वचन हुआ था वो वचन कर रहे हैं, महाराज जब श्री भगवान रामचंद्र को हमने ये बोला हमको राज की इच्छा नहीं, तो भगवान कहने लगे, अब विषण जब तुम अपने ग्रह से अपने महलों से चले थे तुम्हारे मन की क्या इच्छा थी, उस इच्छा के अनुसार हमने आपको राजे होने का वर दिया है, राजे होने का वर उच्चारण किया है। जैसे आगे
श्री विभीषण जी श्री भगवान रामचंद्र के वचन गुरु नानक को सुना रहे हैं। आप सब से ये प्रार्थना है, आप रसना करके जो भगवान ने आपको नाम दिया है, जो गुरु जी ने आपको नाम दिया है, उस नाम की आराधना करें और श्रवण कर जो लोक और परलोक को सफल करने वाला पवित्र भगवान का जस है, आप श्रवणों से जैसे महात्मा बयान करेंगे आप उनको श्रवण करें। करूं कामना पूरब पूरी। श्री भगवान रामचंद्र जी ये कह रहे हैं एक्विशन, जैसी जैसी कामना भावना लेकर मुख शरणों में आता है, हम वैसे वैसे उसकी भावना पूरी करते हैं। उन देव पदवी केवल रूरी। और ऐसे है जब उनकी भावना उनकी कामना पूरी होती है तो जो रूरी सुंदर पदवी है वो क्या है, मुक्ति होती, इस जीवन से छुटकारा पा जाना। ये जो सुंदर मुक्ति है वो हम अपने सेवकों को प्यारों को देते हैं। भगवान श्री रामचंद्र बहुत उदार चित हैं, भविष्य जी गुरु नानक से बतला रहे हैं। अष्ट पहर जिन नामे अधारा, जो के अठे पहर श्री भगवान का नाम चितारते हैं, भगवान का नाम लेते हैं। जैसे कि आप ये श्री भविष्य जी गुरु नानक सच्चे बादशाह से अपने घर से जो उनकी इच्छा थी वो पूरी करी, ऐसे इतिहास में बहुत विचार आते। जब आप श्री सतगुरु प्रताप सिंह सचे पातशाह का उपदेश श्रवण करेंगे तो श्री सतगुरु प्रताप सिंह सचे पातशाह जी बहुत इस लोक और परलोक को सफल करने के लिए उपदेश देते हैं। वो ये उपदेश करते हैं किसी से कोई गुनाह हो जाता है, किसी से कोई पाप अपराध हो जाता है, उसको बख्शाने के लिए जो प्राणी अपने घर से चलता है, अपने घर से चलना शुरू हुआ है और हमारी हमारी दरगाह में हमारी शरण में हमारे दरबार में पहुंचा है और आकर प्रार्थना करता है, सतगुरु जी जो हमारा गुनाह है हमारा पाप है हमारा अपराध उसको माफ कर दो। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह का ये उपदेश है। हम उसे ये बोलते हैं जब तुम सच्चे और सुच्चे हृदय से अपने घर से चले थे वो तो तभी माफ हो चुका था, जब अपने घर से चले थे वो जो पाप अपराध था वह नाश हो चुका था। और श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह जी इसके साथ साथ ये उपदेश करते हैं, जिस मनुष्य ने आगे प्रार्थना करी है और अंदर से और बोला है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं संसार में जो कंठ के ऊपर ऊपर ही बोलते हैं, कंठ के नीचे नहीं जाते। श्री सतगुरु प्रताप सिंह सच्चे पातशाह ये उपदेश करते हैं, जिसने तन और मन से अंदरों आकर प्रार्थना करी है वो वहीं बख्शा गया। जो आकर हमको उस पाप को बख्शाने के लिए अपराध को माफ कराने के लिए आकर प्रार्थना करता है और हृदय से नहीं करता, हृदय की भावना और है और जब हम कह भी देंगे तभी उसको वो पाप की बख्शिश नहीं होगी। ये ऐसी बात है, इसलिए जैसे कि ये सिद्धांत है ऐसे गुरबाणी में भी लिखा है। गुरबाणी में ये लिखा है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरा ऐसी चिंता मैं जे मरा सर्प जोन वाल वाले आउत है। हम भावना की बात कर रहे हैं, जो इंसान की सुरती है उसकी उसकी भावना कर रहे हैं। जैसे जैसे इंसान की अखीर के टाइम में सुरती हो भावना हो उसको ऐसी जून मिल जाती है, ये गुरबाणी का उपदेश है।
इस इंसान ने भावे कितना भी कर्म धर्म अच्छा किया हो और जब उसका अंत समय आता है तो उनकी भावना जैसी होगी उनको जून वैसी प्राप्त होगी। महात्मा त्रिलोचन जी ये विचार करते हैं जिस इंसान की भावना है अखीर के टाइम में उसकी इच्छा भावना चली गई भाई हमने बहुत यत्न किया था और यत्न कर हमने माया बहुत ही इकट्ठी करी है, हमको वर्तने की भगवान ने समानी दिया है और महात्मा ये विचार करते हैं उसको सर्प की जून मिलेगी भाई आप जो आपने माया इकट्ठी करी है उस पर बैठो जाकर और जितना चिर बच जाकर बैठो उसको सर्प की जून मिलेगी। अंतकार जो स्त्री सिमर ऐसी चिंता मैं जे मरे बेश्वा जुन वल वल या उतरे। इस मनुष्य की भावना अखीर के टाइम पे विषय विकारों में चली जाए इसको बेश्वा जुन की प्राप्ति होगी। ऐसे महात्मा कहते हैं अंतकार जो लड़के सिमर ऐसी चिंता मैं जे मरे सुकर जुन वल वल या उतरे। अखीर के टाइम के जब इंसान के प्राण अंत होने लगते हैं तो जो उनकी भावना है उनकी सुरती है वो परिवार में बच्चियां बच्चों में चली जाए तो उनको सूर की जून प्राप्त होगी। हम आपको सूर की जून देते हैं जितने मर्जी परिवार के जीव अपने पैदा कर सकते हो। और अंत काल जो मंत्र सिमर है ऐसी चिंता महजे मरा प्रेत जो वाले वाले अंतर है। महात्मा देश करते हैं आपने बहुत अच्छे मंदिर बनाए कोठी बिल्डिंग तैयार करी और आपको रहना न मिला आपके प्राण अंत हुए और जब आपके प्राण अंत होने लगे तो आपके मन की भावना बनी तो ये हमने क्या बहुत यत्न से मेहनत से माया इकट्ठी करी थी और ये बिल्डिंग ये महल तैयार करे हैं हमको रहना नहीं मिला है। महात्मा कहते हैं उसकी भावना के अनुसार उसको प्रेत की जून मिलेगी। अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे पी अंतकाल नारायण सिमरे ऐसी चिंता मैं जे मरे। महात्मा त्रिलोचन कहते हैं जिसकी अंत को नारायण से भावना हुई भगवान के नाम की भगवान के नाम की भावना बनी उसको मुक्ति की प्राप्ति होगी। इसलिए गुरुवाणी का वेदों शास्त्रों का जो अखीर के टाइम के जैसे जैसे इंसान की भावना होती है उसको वैसा वैसे फल मिलता है। ऐसे भीष्म जी बोलते हैं ऐ गुरु नानक सच्चे पातशाह जब हम भगवान श्री रामचंद्र के शरण में गए तो उन्होंने ऐसा किया कि ऐ भीष्म जब हम आपके घर से चले थे तो जो आपकी भावना थी उनकी भावना के अनुसार आपको ये वर दिया गया है। सुन श्री नानक कह मृद बानी जब गुरु नानक सच्चे पातशाह ने भविष्य से ये सुना धन भीखन शुभ गुण खानी आप धन हो महाराज भीषण जी आप बड़े भक्त हो आप धनता योग हो चिरंजीव पदवी तय पाई आप जी ने जो चिरंजीव की पदवी है वो श्री भगवान रामचंद्र के पक्ष से आपको चिरंजीव की प्राप्ति हुई है। मन की नाम बिखर लिवलाई क्योंकि आप भगवान का नाम लेते हो भगवान के नाम की आराधना करते हो और भगवान के स्मरण करते हो भगवान का दर्द रहत राक्षस पाते रे जो भी श्रीलंका में बड़े बड़े दैत राक्षस है वो आपसे डरते हैं आए समान पे सब चेरे जितने भी राक्षस सार आपकी आज्ञा आपका हुक्म मानते हैं और आपको आपके दास समझते हैं काहु न करे दुखाओ न कोई वो राक्षस होते हुए भी दैत होते किसी को दुख नहीं देते किसी को मुसीबत में नहीं डालते और किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं देते भाव भगत में श्रद्धा होई जो के बड़े भाव में भक्ति में श्रद्धा करते हैं और उनका ये भाव और भक्ति के उनके साथ प्रेम है जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ये महाराज भीषण जी ने वचन सुने तो महाराज भीषण जी कहने लगे राम सब मारे ऐ महात्मा जी ऐ संत जी महाराज जब श्री भगवान रामचंद्र जी लंका में आए थे तो जो बेमुख थे
भगवान के नाम से बेमुख थे, उन सबको मार डाला था, सबको खत्म कर दिया था। आप जी ने लंका तहत मार कर और रावण जी का संहार कर हमको लंका का राज देकर मम समेत बांसर दल लाए और सारे हम भी उनके समेत अयोध्या को चले माता सीता जी को साथ लेकर। तहां जाए मुको तब है ए उपदेश बताए। गुरु नानक सच्चे पातशाह जब हम लंका से अयोध्या को पहुंचे तो श्री भगवान रामचंद्र जी ने अयोध्या में जाकर हमको ये उपदेश दिया। नमित मातर अवतार तर ईश्वर तरणी आए। ऐ भगत विभीषण जी, वो जो भगवान है इस संसार में एक नित्य अवतार है, एक नमित अवतार है। जो भगवान है वो नमित अवतार आता है, कारण बन जाता है, पर कोई कारण बन जाता है, कारण कैसे बना है? आप इतिहास पढ़ते हैं, सुनते हैं, जब सतयुग का समय था तो जो राजा बल था, उस राजे बल ने स्वर्ग की इच्छा के लिए अश्वमेध यज्ञ करने शुरू करे, और जब इंद्र का सिंहासन डोला तो इंद्र ने भगवान के चरणों में प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने से भगवान को बावन का अवतार धार कर जो इंद्र देव उनकी सहायता करनी पड़ी, वो निमित्त कारण बन गया। ऐसे द्वापर युग होगा, द्वापर युग में जब इस दुनियावी तख्त पर, दुनियावी राज पर राजा रावण आया, जब राजा रावण बैठा तो इतिहास ऐसा कहता है, मरा कुलहनी नार, मरा वो पुरख नखट्टू, मरा बैल गर यार, मरा वो घड़ियल टट्टू, सो ब्राह्मण मर जाए हाथ लै मदरा प्यावे, सोई पूत मरा जो उनको दाग लगावे, बेन्याई राजा मरा रह नत रह नत पर सोया कह बताल विक्रमिन के मरे न रोइए। ये शास्त्र का मत है। जब त्रेते युग में त्रेता युग हुआ तो त्रेते जो दुनियावी राज था उन पर राजा रावण बैठा। राजे रावण ने अपने धन को छोड़ दिया, अपनी नीति को छोड़ दिया, और कारण के बिना जब इन देवतों ने इस मातनो के जो गौ गरीब थे उन्होंने भगवान की दरगाह में प्रकार करी, फरियाद करी, तो उस भगवान को अपना नाम श्री रामचंद्र भगवान इस मातम आकर जो देवते थे उनकी सहायता करी और जो राक्षस का संहार किया। ऐसा ही हुआ द्वापर युग में। जब द्वापर युग हुआ तो उसमें उस राज पर राजा कंस बैठा। राजे कंस ने बहुत जीने के लिए जो अपनी बहन देवकी थी उनके बच्चे मारने शुरू कर दिए। पाप, इतना पाप, इतना अपराध। जब गौ गरीब की फरियाद उस भगवान की दरगाह में पहुंची तो उस भगवान को श्री भगवान कृष्ण का नाम रखा कर इस संसार में आकर जो राक्षस उनका संहार किया, कारण बना गए। ऐसे जब हिंदुस्तान में जो ये दुनियावी राज पर मुगल खानदान आया और वो उस मुगल खानदान को जो इस संसार में पाप अपराध बढ़े, उन पाप अपराध ऐसे बढ़े जैसे के ग्रंथों ने कई तरह तरह से लिखा है, इसलिए उन पापों से छुटकारा पाने के लिए उस भगवान को इस संसार में गुरु नानक का नाम रखाकर इस संसार में आना पड़ा। भगवान श्री रामचंद्र जी विभीषण को ये उपदेश कर रहे हैं, है भक्त विभीषण, ये निमित्त कारण है। ऐसे जैसे कि आप विचार कर रहे हैं, जब हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो इस ये हिंदुस्तान अंग्रेजों का राज हुआ। जब अंग्रेजों का राज हुआ तो इस अंग्रेजी राज में गौ और गरीब को दुखाया जाने लगा, जबकि महाराजा रणजीत सिंह के समय ये इस पंजाब में
जो गऊ का मांस खाने वाला था वो दाखिल नहीं हो सकता था। महाराजा रंजीत सिंह का इतना कानून था। और जब अंग्रेजी राज हुआ तो जो गऊ का मांस था गांव गांव शहर शहर गली गली महल्ले महल्ले में बिकने लगा। उनके राज में ऐसा हुआ भी। जब ये हिंदुस्तान गुलाम हुआ तो इसको आजादी के लिए अकाल से सतगुरु राम सिंह सच्चे पातशाह वो भगवान अपना नाम राम सिंह रखवाकर इस संसार में आए और हिंदुस्तान को गुलामी से छुड़ाकर आजादी की प्राप्ति करी। भाव ये कारण बन जाता है। इसलिए श्री भगवान रामचंद्र जी भीष्म को ये बोल रहे हैं, भीष्म ये निमित्त कारण है जो कि उस भगवान को इस संसार में इस धरती में आना पड़ता है। कार्य कर बैकुंठ सजावे वो अपना कार्य कर जो जो राक्षस बुद्धि के लोग होते हैं उनका संहार करते हैं और अपना कार्य कर अपने बैकुंठ को चले जाते हैं। तिनके गुण पढ़ सुन सुख पावे जब उनके गुण लोग सुनते हैं इतिहास सुनते हैं कहानी पढ़ते हैं तो उनके जो गुण है वो ग्रहण करते हैं। जो उनके गुण ग्रहण करते हैं उनका लोक और परलोक का भला होता है। हैं अवतार संत नित मेरे ये जो साधु संत महात्मा है ये मेरे नित अवतार हैं, इनको नित अवतार बोलते हैं। इन मिला पे अक जाहे कनेरे जिन्ना दे मिलन के साथ जो इंसान है उनके बहुत बहुत बड़े जो पाप हैं उनका नाश हो जाता है। दर्शन करने से पाप की निवृत्ति हो जाती है। उनसे विचार श्रवण कर से जो पाप उनकी निवृत्ति हो जाती है। ये कौन जो ऐसे ऐसे संसार में साधु महात्मा संत लोग हैं। संत मोह में भेद न को इसलिए संत में हमारे में भगवान लक्ष्मण जी भीष्म श्री भगवान रामचंद्र लक्ष्मण को उपदेश कर रहे हैं ऐल भीष्म मेरे में और संत में किसी प्रकार का अंत नहीं है। जैसे कि हजूर पातशाह ने गुरबाणी में उच्चार किया है संतों को मत कोई निंदो संत राम है एको है भाई संसार प्रवासी हो साधु संत महात्मा की निंदा मत करो वो भगवान और संत महात्मा एक है। ऐसे राम कहा दुख खो ऐसे जब भगवान राम ने देखे तो हमारे जो अध्यात्मिक दुख थे अधि देव दुख थे अधि भूत दुख थे वो सारे निवृत्त हुए। सो तुम संत सदा सुखदाई इसलिए आप संत हो सदा सुख देने वाले हो। कार्य उपदेश देव समझाई इसलिए संत का क्या काम है भाई संसार के लोगों को उपदेश करना और जो दुख है क्लेशों से निवृत्ति करना। रघुबर तुम मैं भेद न जानो भीष्म जी कह रहे महाराज आपके और रघुबर जो श्री भगवान रामचंद्र है उनमें कोई अंतर नहीं है। ईश्वर एक समान पहचानो आप ईश्वर के समान है श्री भगवान रामचंद्र के समान है। बिना सनी सुन कहते बानी जब भीष्म जी ने गुरु नानक के साथ ऐसा ऐसा बड़े प्रेम के साथ जैसे कि श्री भगवान रामचंद्र से विचार हुए थे ये करे बोले श्री नानक गुण खानी गुरु नानक सच्चे पातशाह भीष्म के विचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुए कहने लगे श्री गुरु बनै बबीखन सुनिए ऐ भगत बबीखन सुनिए जो भगवान श्री रामचंद्र और भगवान के विचार हैं आगे ही गुरमुख मन सुनिए आपका तो आगे मन जो है वो गुरमुख है अगे जो आपका मन है वो गुरु के पास सेवा है। पेद आए तीनों श्री रामू जब भीष्म जी ने भगवान श्री रामचंद्र को सारा आगे भेद दे दिया रावण मार करे सब काम और भगवान रामचंद्र जी ने रावण का संहार किया। गुरु के शब्द राम बिचारे इसलिए जो गुरु के शब्द हैं सिंध बिखै पाहन बड़ तारे जो भगवान रामचंद्र भगवान का शब्द कैसा है भगवान का नाम कैसा है जिस नाम की सहायता से जो पत्थर थे वो भी समुद्र पर पानी पर तैरने लगे। सतगुरु शब्द सबन ते वडो इसलिए जो सतगुरु का शब्द है जो भगवान का नाम है सबसे ऊंचा है सबसे बड़ा है। महात्मा तुलसीदास ने ऐसे लिखा है
महात्मा तुलसीदास जी उच्चारण करते हैं, जब महात्मा वाल्मीकि जी ने रामायण का उच्चारण किया और बहुत सालों की मेहनत थी, भगवान की दयालुता थी। जब वाल्मीकि जी ने ये जो वाल्मीकि रामायण को तैयार कर दिया तो उनके मन में उदार चित्ती आई। उदार चित्ती कैसे आई? जहाँ ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी थी बैठे थे दरबार में, ये जो ग्रंथ है जाकर उनकी भेंटा कर दिया। जब ब्रह्मा जी ने, भगवान विष्णु जी ने, शिव जी ने ये देखा तो कहने लगे क्या है? वाल्मीकि जी कहने लगे महाराज, ये रामायण का ग्रंथ लिखा है, श्री भगवान राम जी के चरित्र लिखे हैं और वो जो मिंत है आपके चरणों में हमने भेंटा करी। बहुत उदार चित्ती थी। आप देखते हैं ना, आज कोई ग्रंथ प्यार करता है उसकी कीमत इतनी रख देता है, उसको खरीदने ही, उसको पढ़ना ही मुश्किल हो जाता है। और सालों पति मेहनत वाल्मीकि जी ने आकर भेंटा कर दी। देवते बहुत प्रसन्न, भगवान कहने लगे ऐ वाल्मीकि, ऐसा करो जो आप जी ने ये रामायण का जो पवित्र ग्रंथ है उसको भेंटा करा है और हमारे तीन में उसको बांट दो। तीनों वाल्मीकि जी ने सात वचन कहा। जब वाल्मीकि जी बांटने लगे तो ये जो वाल्मीकि रामायण के श्लोक है वो 10,000 करोड़ है। वो 10,000 श्लोकों को बांटने के लिए 300 श्लोक तीनों देवतों को बांटे गए, 1 करोड़ श्लोक बचा। 1 करोड़ श्लोक को बांटने के लिए वाल्मीकि जी ने 33,33 लाख तीनों देवतों को बेटा कर दिए, 1,50,000 श्लोक। जो 1,00,000 श्लोक था उसको 33,33 हजार श्लोक तीनों देवतों ने बांट दिए, 1,000 श्लोक बचा। जो 1,000 श्लोक बचा तो वाल्मीकि जी ने 300 श्लोक तीनों देवतों ने बांट दिए, 100 श्लोक बचा। जब 100 श्लोक बचा तो वाल्मीकि जी ने ऐसा किया, 33,33 श्लोक तीनों देवतों में बांट दिए, 1 श्लोक बचा। जब 1 श्लोक बचा तो 1 श्लोक के 32 अक्षर थे, 10-10 अक्षर वाल्मीकि जी ने तीनों देवतों में बांट दिए, 2 अक्षर बचे। जब 2 अक्षर बचे, इतिहास में ऐसा लिखा है जो शिवजी भगवान थे उन्होंने सारे श्लोक छोड़ दिए और 2 अक्षर कहे कौन थे? रारा और ममा। जो राम बचा था उसको ग्रहण कर लिया, सभी श्लोकों को छोड़ दिया। ऐसे गुरु नानक सच्चे पातशाह भविष्य से उपदेश कर रहे हैं, जो भगवान का राम का नाम है वो सबसे ऊंचा है, वो सबसे बड़ा है। हजूर बादशाह गुरबाणी में ये उपदेश करते हैं, वेद कतेब सिमरत सब शासत इन पढ़या मुक्त न होई, 1 अखर जो गुरुमुख जानना ताकि निर्मल सोई। जो वेद कतेबा को, शास्त्रों को पढ़ते हैं, इनसे पढ़ने से इंसान को मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती, जिना इंसान राम का नाम ग्रहण कर उसकी आराधना नहीं करते। इसलिए वाल्मीकि जी ने जब ऐसा करा तो भगवान शिव जी ने सारे श्लोकों को छोड़कर राम के नाम को ग्रहण कर लिया, क्योंकि राम का नाम सबसे बड़ा है और सबसे ऊंचा है। 33 करोड़ सुरन को छोड़ो, जो 33 करोड़ देवते हैं उन सब को छोड़ दिया,
और जो देवी कुल देते हैं वो उनको उनकी आराधना जगह भगवान के नाम की आराधना करते हैं। सतगुरु शब्द हृदय विचारो, और जो सतगुरु का शब्द है उसको ग्रहण करते हैं, उसको धारण करते हैं। इस पर आप हमको एक एग्जांपल देते हैं। जब श्री सतगुरु राम सिंह सचदेव पातशाह का समय था, उस समय में एक महात्मा साहब सिंह जी हुए हैं, हमारे पास पटियाले के पास नाभा शहर है। इस नाभे शहर के पास एक पमावती पिंड है, गांव है पमावती, वहां रहते थे। जो बाबा साहब सिंह थे उनका मन बना भगवान की भक्ति करने के लिए। भगवान की भक्ति करने के लिए जो मूल मंत्र है, एक गुरु मंत्र है, एक मूल मंत्र है, उन्होंने गुरु मंत्र की प्राप्ति नहीं करी थी। और ये आपो अपना विचार है, आपो अपने विचार से वो मूल मंत्र की आराधना करने लगे। जब उनको रास आया, स्वाद आया, तो ऐसा हुआ एक दिन अपने घर में बैठे थे, बैठे बैठे जो उनकी सुपत्नी थी, उनकी घर वाली थी, उनको कहने लगे, ऐ प्यारी, हमारा भगवान का नाम सुमन करने का मन बना है। ऐसा है, हमने भगवान के नाम की ये हमारे मन से ये इच्छा, तीव्र इच्छा वैराग पैदा हुआ है कि हमने 24 साल जात सात पवित्र रह के भगवान का नाम सुमन करना है, मूल मंत्र की आराधना करनी, और हम आपसे ये विचार देते हैं जेकर आप प्रेम भावना से श्रद्धा से इस दर के बर्तन बस्तर साफ कर अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। जे आप जात सात कर्म के साथ अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते तो हम आपको आज्ञा देते हैं, आप जहां जाना चाहते हैं जा सकते हैं, हमारी आज्ञा है। जब उनकी सुपत्नी ने यह सुना तो कहने लगी, महाराज, हमारा तो जीवन आपके चरणों में व्यतीत होगा, हमको खुशी होगी, आप भगवान की तपस्या करेंगे, आप भगवान का स्मरण करेंगे और हम आपकी सेवा करेंगे, जो जेकर हमारा जीवन ऐसा व्यतीत हो तो हमारा जैसा कौन है। साहब सिंह को बहुत प्रसन्नता हुई, बहुत खुशी हुई। आप बड़े जात और साथ से भगवान के नाम की आराधना करनी शुरू करी। आराधना करते करते एक दिन ऐसा हुआ, दिन को अपना जो पेट पालना के लिए दुनियावी काम करते, रात को भगवान की तपस्या करते, भगवान की बंदगी करते। ये गृहस्थ मार्ग का बहुत बड़ा ये शुभ भावने की अवस्था है। जा जो रात है, हमारे गुरुदेव जी संत जी महाराज ब्रह्मश्रोत्री ब्रह्मनिष्ठी महात्मा श्रीमान पंडित संत जगत सिंह जी, जब वो अपने रंग में आया करते थे तो ये बोलते थे, जो लोग संसार को छोड़कर, घर को छोड़कर जंगलों में जाते हैं, ये तो विचार ऐसा है, जब रात पड़ जाती है तो घर ही जंगल बन जाता है, अपना घर ही जंगल बन जाता है, इसलिए घर छोड़ने की क्या जरूरत है। जब रात पड़ती है तो समझो सारे जंगल हुआ है, सारा संसार जो सो चुके हैं, आराम कर रहे हैं, आप उठकर भगवान का स्मरण करो, भगवान का नाम लो, बस यही जंगल है। इसलिए और सारी दिहाड़ी अपने संसार का काम करते और रात को जब रात पड़े तो भगवान का स्मरण करते। ऐसा हुआ एक दिन उनको किसी चीज की दिखाई दी और सामने न चीज हुई। बाबा साहेब सिंह जी कहने लगे, ऐ ज्योत, ऐ भगवान, हम तो तुम्हारे दर्शन के लिए ये तपस्या कर रहे हैं। आवाज़ा हुआ, आकाशवाणी हुई, ऐ तपस्वी,
जे आप दर्शन करने चाहते हो तो ऐसे करो, जो गुरु नानक की जोत है, जो दशमेश बादशाह की जोत है, जो श्री भगवान रामचंद्र की जोत है, जो श्री कृष्ण भगवान की जोत है, वो श्री भैरी साहब में प्रकट हुई है, जाकर उनका आप दर्शन करो। जब ये आवाज सुनी तो साहेब सिंह जी बहुत परेशानी हुई और विचार करने लगे, ये क्या बोला है, ये आप जिन्हें जे हमारे दर्शन करने हैं तो जो श्री भगवान रामचंद्र की जोत है, जो श्री भगवान कृष्ण की जोत है, जो गुरु नानक की जोत है, जो दशमेश पातशाह की जोत है, उसने श्री भैरी साहब में जन्म लिया है, अवतार लिया है, वहां जाकर आप दर्शन कर सकते हैं। तपस्या छोड़ दी, जब तपस्या छोड़ी चलते 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 श्री भैरी साहब पहुंचे, जहां श्री साधु राम सिंह सच्चे पातशाह जी बैठे थे, जाकर दर्शन करा। जब दर्शन करा तो मन बहुत प्रसन्न हुआ, जिस मिले है मन हुए आनंद, सो सतगुरु कही है, मन की दुविधा बिन सजाए हर परम पद। साधु राम सिंह सच्चे पातशाह ने अपनी गलवकड़ी से लाल ले लिया, गलवकड़ी से लेकर कह के साहेब सिंह जो तुम्हारे मन की भावना थी वो पूरी हुई, बहुत प्रसन्न हुआ। और साधु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने जो गुरु मंत्र है वो गुरु मंत्र की दात साहेब सिंह को दी और कहा, इसका रटन करो, इसका सेवन करो, इसका अभ्यास करो, जब इसका अभ्यास करेंगे तो आप लोग और परलोक आप दोनों आपके सफल होंगे। हजूर पातशाह, ठाकुर छोड़ दासी को तावे, मनमुख अंध अज्ञाना, हर की भगत करै ते निंदै ते निगुरे, पशु समाना ते वाकुंसार। जिसने गुरुमंत्र की प्राप्तता नहीं करी है उसको तो गुरबाणी में पशु के समान बोला है। वो जो इंसान है, कितना भी छात्र है, कितना होशियार है, कितना भी वो बड़ा है, जो उसने गुरुमंत्र की दात नहीं प्राप्त करी तो पशु के समान है। इसलिए गुरबाणी ने बहुत कुछ बयान किया है, पाठ पुस्तक संध्या बाधन, सिल कूच सबगल समाधन, मुख चूच पे ओखन सारन, त्रैपाल त्याल विचारन, गल माला तिलक ललाटन, दुय तोती वस्त्र कपाटन, जो जानस ब्रह्म कर्मं, सा फोकट निश्चो कर्मं, कहो नानक निश्चो त्यावै, बिन सतगुर बाट न पावै। गुरु की प्राप्ति से बगैर जो भगवान का रास्ता है वो कभी इंसान को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए साधु राम सिंह सच्चे पातशाह जी ने साहेब सिंह को जो गुरु मंत्र था, जो समय का नाम था, वो दिया और ऐसा हुआ साहेब सिंह उस नाम की कमाई करनी शुरू करी। कितनी कमाई करी, इतनी कमाई करी, इतिहास में ऐसा आता है, एक दिन ऐसा हुआ, बाबा साहेब सिंह जी अपनी चारपाई पर बैठे थे। जब चारपाई पर बैठे हैं तो उनकी जो श्रुति थी ना वो भगवान के चरणों में लगी। जब भगवान के चरणों लगी तो जो हम कहाँ बैठे हैं, हम कौन हैं, आप सीधे भगवान के चरणों में पहुंचे। जब भगवान के चरणों में पहुंचे तो ऐसा हुआ, जो भगवान था उन्होंने अपने रामगण भेज दिए, जाओ बाबा साहेब सिंह को लेकर आओ। वो जो रामगण आए उन्होंने बाबा साहेब सिंह चारपाई उठा ली, चारपाई उठाकर लेकर चले दरगाह में, भगवान की पुरी में लेकर जाने लगे। जब चलते 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 जा रहे हैं तो जो उनकी आंख थी ना वो खुली, जब आंख से देखा तो साहेब सिंह कह गए, आप कौन हैं, कह गया हम भगवान के पे जो है दूत रामगण हैं, हमको कहाँ लेकर जा रहे हैं, हम विष्णुपुरी में दरगाह में लेकर जा रहे हैं। वो कह लगे, अभी नहीं हमने जाना है, अभी हमने गुरु जी की और सेवा करनी है, नाम की और आराधना करनी है। जब उनकी आंख खुली तो रामगण कहने लगे, भाई इनका हम भार बहुत हुआ है, इसलिए उन्होंने वाहन चारपाई को छोड़कर आप भगवान के दरगाह में चले गए। बाबा साहेब सिंह जी अपने घर आकर जितना अपने घर का सामान था, जो घर का माल था, सो सभी भैरी साहब जाकर वहाँ अपनी मर्जी से जितना चिर उनकी इच्छा थी इस जीवन का सुधार कर भगवान की दरगाह में पहुँचे। ये भगवान का नाम ऐसा है भाई, जो जो इसकी कमाई करता है, जो जो इसकी आराधना करता है, वो ऐसे ऐसे फल प्राप्त करता है।
इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह विभीषण जिसे कह रहे विभीषण जो भगवान का नाम है वो बहुत बड़ा है। यह उपदेश हमारो तारो, इसलिए जो भगवान के जो सतगुरु के शब्द से प्रीति करते हैं हम आपको ये उपदेश करते हैं। सुपन समान जगत को जानो, ये संसार कैसा है भाई, ये तो संसार है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परवार, कहो नानक तिर कछ नहीं सुपने जो संसार। ये तो सुपने के बाद संसार है। सुपना कैसा है, जैसे सुपना आता है वो झूठा होता है और देखने में कुछ होता है, जब आप जागते हैं तो कुछ नहीं देखते। जैसे कि आप एक विचार है, आप क्या देखते हैं, आप सोए हैं। जब रात को सोए हैं तो आपको सुपना आ रहा है। सुपना कैसा आ रहा है, हम इलेक्शनों में इलेक्शन लड़ रहे थे, उस हमको सफलता प्राप्त हुई है। जब हमको सफलता प्राप्त हुई है तो क्या हुआ, जो हमारे साथी थे, संबंधी थे, मित्र भाईचारा था, वो सभी आकर बधाई देने लगे। उन्होंने क्या किया, हमारे घर में बहुत फूलों की माला डाली और उनके बीच लड्डू जलेबियां मिठाई बहुत बरतने लगी और बहुत खुशी हो रही है। जब ये सपना आ रहा है तो उनकी आंख खुली तो क्या देखा, यहाँ कुछ भी नहीं है अभी। क्या वो अपने संबंधियों रिश्तेदारों मित्रों को बुलाकर ये बोलता है कि हम रात को इलेक्शन में MLA बने थे, हम वजीर बने थे, हम प्रधानमंत्री बने थे, हमारे गल में फूलों की माला डालो। वो तो झूठा था सपना भी। जैसे सपना झूठा है ऐसे संसार है। हम आपसे और प्रार्थना करते हैं, आप सो जाते हैं, जब सो जाते हैं तो आपको सपना आने लगता है। सपना कैसा आ रहा है, सपना आ रहा है भाई हमारे मन की इच्छा थी तीर्थ यात्रा करने की। हम तीर्थ यात्रा को जा रहे थे, जाते जाते क्या हुआ, हमारा एक्सीडेंट हुआ भी। जब वो हादसा हुआ तो हमारी डेथ मौत हुई। जब हमारी मौत हुई तो क्या हुआ, जो रिश्तेदार हमारे बहन भाई थे वो सभी प्रचावनी के लिए वहाँ पहुँचे। जब उन्होंने प्रचावनी करी तो हमारा संस्कार करने के लिए वो हमारी अर्थी को उठाकर शमशान भूमि में ले गए। जब शमशान भूमि लेकर गए तो वहां उन्होंने चिखा तैयार करी, हमको वहां चिखा पर ऊपर आग दिया, उन्होंने आग लगाई, बसंतर पेटा किया और आंख खुली। जब आंख खुली तो क्या देखता है, ये कैसा सपना है, ये सपना कैसा आ रहा था। विचार करता करता हम आपसे ये प्रार्थना कर रहे हैं, क्या जब उसको ये सपना आया और सब कुछ देखा और अपने सजनों को, अपने मित्रों को, अपने भाईचारे को, वो ये नहीं बोलता है रात मर गए थे हमको जाकर, हमको जाकर बसंतर पेटा कर दो, ये नहीं कहता। सपना झूठा था। जैसे कि सपना झूठा है ऐसे संसार झूठा है, इसलिए गुरु नानक सच्चे पातशाह ये बोलते हैं भाई संसार के वासियों, चिल मिल बिसियार दुनिया फानी कालू अकल मन घोर न मानी। ये जो दुनिया का चमत्कार है वो नाश हो जाने वाला है, जो खत्म हो जाने वाला है, इसलिए इस संसार को, इस संसार में हम त्याग अवस्था में रहना है। एक आत्मा सर्व पहचानो, इसलिए जो भगवान है, जो गुरु पीर की आत्मा है उसको आप सभी याद करो। संतन की संगत करो सुख जिस महजन रहना। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह भविष्य से ये विचार और विचार साझे हुए तो भविष्य कहने लगे, महाराज जिससे हमारा जीवन सफल हो, जिससे हमारे जीवन को हमको प्रसन्नता हो वो उपदेश करें। गुरु नानक सच्चे पातशाह भविष्य को ये उपदेश करते हैं, भविष्य संतन की सेवा करो, संतन की संगत करो, जो साधु महात्मा की संगत करो सुख जिसमें दिन रहे। साधु महात्मा की सेवा संगत ऐसी है जो दिन में भी और रात में भी आपको सुख की प्राप्ति होती है, आपको शांति की प्राप्ति होती है। नीको यह उपदेश महाअधिगत देना। जो साधु संतों महात्मा की संगत करते हैं, जो बड़े बड़े पापी हैं उनको भी उद्धार हो जाता है,
जो बड़े बड़े अपराधी लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। सत्संग कीनो तब भी ललिता रानी जग, सत्संग कीनो तब तरी मीरा बाई है, सत्संग कीनो नाम देवियो कबीर तरे, सत्संग कीनो पार पयो सहन नाई है, सत्संग का प्रभाव प्रगट सगल जग, रविदास उनकी प्रभ जात ना गिनाई है, सुंदर भागत जिन सत्संग कीनो ताहि को जन्म तन देने वाली माई है। जिन्हों जिन्होंने साधु संतों महात्मा संत की करी भी उनका ये लोक भी और उनका परलोक भी सफल हुआ। तेशन बोल उठो मर्दाना, जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने विभीषण को ये उपदेश दिया, विभीषण साधु संतों महात्माओं की संगत करो और भगवान के नाम की आराधना करो, आप गुरबाणी पढ़ते हैं श्रवण करते हैं, महात्मा रविदास भाई जी बोलते हैं नागर जना मेरी जात बख्यात चुमार, ऐ नगर दे वासियो ऐ भगत जनो मैं चुम्यार जात का हूं। आप लिखते हैं अपनी कलम के, आप अपनी कलम के साथ आप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहते हैं नागर जना मेरी जात बख्यात चुमार हृदय नाम गोविंद गुण सारन, पर मेरे हृदय दे विच गोविंद का नाम है, भगवान का नाम है, जिस नाम से मेरी जात कुटबांड ला ढोल ढोलता नित है बनारसी आस पासा, अब विपर प्रधान करा डो तेरे नाम सुनाए रविदास दास। रविदास भगत जी कह रहे हैं जो कि मेरी जात कुटबांड ला, जो कि मेरा खानदान मेरी जात जो चम को कुटने वाली है, मेरी जात कुटबांड ला ढोल ढोलता नित है बनारसी आस पासा, जो बनारस के आले दो आसपास के गांव हैं, एक दो चार पाँच सात कितने गांव हैं, जो उन गांव में कोई पशु मर जाता है वो उन ढोर को उठा लेते हैं और उनका चावल को उधार उधेर कर उनको सवार कर उनके जोड़े बनाकर हम बेचते हैं, काम हम ये करते हैं, और ऐसा काम करने से आप विपर प्रधानते नाम सरदार रविदास दास साहब, जो बहुत बहुत बड़े पंडित हैं वो भी हमारे नाम को प्रणामा कर रहे हैं और हमारे नाम को नमस्कार कर रहे हैं, भगवान का नाम ऐसा है भाई, ऐ भीषण भगवान के नाम की आराधना करो भाई, साधु महात्म संगत करो आपको सुख की प्राप्ति होगी। जब गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने भीषण के साथ ये विचार दिया तो मर्दाना जी कहने लगे जो श्री हनुमान जी है वो भी यहाँ रहते हैं, लंका में रहते हैं, दिखाओ श्री प्रभु अभी हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं हनुमान जी की हमारे को दर्शन कराओ। महाराज वो तो जहाँ रावण की चिखा थी, जहाँ रावण की कर्म क्रिया करी थी वो तो वहीं रहता है और कहीं जाता है, आठे पहर वो जो रावण की चिखा है उन पर बैठा रहता है, वहीं रहता है, तब बैठे होते ठा हनुमाना, इसलिए वो जहाँ भगवान के जहाँ रावण की कर्म क्रिया करी थी उनका संस्कार किया था वो तो वहीं रहता है। बिन श्री राम न बंदन करही, और दूसरी बात है महाराज उस रावण का प्राण है, उस हनुमान जी का प्राण है, प्राण क्या है वो श्री भगवान राम जैसे और किसी का दर्शन नहीं करता, कैसे कितनी कमाल है, वो तो सिर्फ एक श्री रामचंद्र जी का दर्शन करना चाहता है और करता है, आए से अपर्णा के सिरता रही, और किसी की आज्ञा और किसी का हुक्म और नहीं किसी का मानता भगवान श्री भगवान रामचंद्र जी के सिवाय। गुरु कहो हम राम स्वरूपा, जब भीषण जी ने गुरु नानक सच्चे पातशाह जी से ये वचन करा तो गुरु नानक कहने लगे भीषण जी हम ऐसा करते हैं हम श्री भगवान राम जी का स्वरूप धारण कर लेते हैं, हम वही मूर्त तैयार कर लेते हैं, और जो माता सीता जी का और जो लक्ष्मण जी थे उनका स्वरूप धारण कर लेते हैं, हम ऐसे कर लेते हैं जेकर श्री हनुमान जी के आपको दर्शन हुए, दिखाई आपसे यही प्रार्थना आप श्री हनुमान जी के दर्शन कराओ।
क्या पता है दोबारा यहाँ लंका में हम आए के ना आए। ये जो हमारा शिष्य है, मर्दाना है, इसका विचार है भगवान जी का, हनुमान जी का दर्शन किया जाए। जब विभीषण जी को गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने जो मर्दाने की मन की अवस्था थी ये बतलाई, तो विभीषण जी कह लगे, महाराज जेकर ऐसा कर सकते हो तो आपको हनुमान का दर्शन होगा। जब ऐसा हुआ तो श्री भगवान रामचंद्र जी ने क्या किया, अपने आप को भगवान श्री रामचंद्र का रूप धारण कर लिया। जो बालाजी थे उनको लक्ष्मण का रूप धारण कर दिया, और जो मर्दाना था उनको माता सीता का रूप धारण कर लिया। ये भाई साहब भाई संतोष सिंह जी इस सूर्य प्रकाश ग्रंथ में ऐसा उच्चारण करें, ऐसा रूप धारण कर। जब ऐसा रूप धारण किया तो विभीषण जी ने देखा, विभीषण बहुत प्रसन्न हुआ। विभीषण जी ने जाके रावण की जो चिखा थी, कौशल थी, वहां जाकर जहाँ हनुमान जी बैठे थे उनको बतलाया। तबे राक्षस तहां पठायो। जब हनुमान जी को ये जाकर बोला, विभीषण जी ने जाकर कहा, गयो निकट एवं बैन सुनायो। ऐ महाराज, अब लंका में भगवान श्री रामचंद्र पहुंचे हैं। बहर लंक श्री राम सुहावत, इसलिए आप बाहर आकर श्री भगवान रामचंद्र जी का दर्शन करें। सीता युत सो तुझे बुलावत, और लक्ष्मण जी साथ हैं, माता सीता जी भी साथ हैं, आप बाहर आकर उनका दर्शन करो। निकट बभीखन गयो अगारी, जब भीषण जी ने हनुमान जी से ये बोला, मैं आयो तुमको सुधकारी, इसलिए मैं आपको खबर देने के लिए आया हूँ के लंका में श्री भगवान रामचंद्र लक्ष्मण माता सीता जी आए हैं। सुनत चौंप कर के हनुमाना, ये भी हमारा इतिहास ऐसा बोल, जब ऐसा बोला तो हनुमान जी ने अपनी गदा को उठाया और अपने अपने कंधे पर रखा, और सुनते सुनते जब हनुमान जब श्री विभीषण जी ये बोल रहे थे तो हनुमान जी कैसे श्री भगवान रामचंद्र के पास पहुंचेंगे, कब इन कैसे इनका आप विचार श्रवण करेंगे, हनुमान जी कैसे प्रसन्न होंगे। और श्री भगवान रामचंद्र जैसे कि गुरु नानक सच्चे पद रूप धारण किया है, इनके आप विचार आगे श्रवण करेंगे। आप सब सो आप जी ने आपकी दयालता से, सरदार जी की दयालता से आप गुणी सज्जन विद्वान सज्जन पहुंचे हैं। हम उन सभी को जियाया बोलते हैं, और सभी संगत का सभी संत को जियाया बोलते हैं, और सबसे ये प्रार्थना करते हैं, आपके हमारे बड़े भाग हैं इन संगत जो इन पुरुषों का कैसे कैसे दर्शन हुआ होता है, इसका भी कोई कारण बन जाता है, उस कारण से हम सब तो किया बोलते हैं, और सबसे ये प्रार्थना करते हैं इस दरबार की हाजिरी भरने के लिए आप प्रेम सत्कार से बोलें, धन श्री सागर जगजीत हे गोविंद हे गुण निधान जाके सदा भवे, हे अपरंपर हर हरि अहपियो वंदहार, हे संता के सदा संग निधाराय आधार, हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं को, जय नाम दान राखो ये पलो, याही कुल ते प्रकट हो ताही कुल को ना, उन द्वादश गुरिंद को मेरी है